बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। मन की बात में परीक्षा के दबाव को दूर करने के लिए पीएम ने छात्र छात्राओं को टिप्स दिए। इस दौरान पीएम ने बच्चों से कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, यह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने पीएम से परीक्षा के दबाव पर सवाल पूछे। पीएम ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए बच्चों से कहा कि विवेकानंद जी कहा करते थे कि अपने आप को कम नहीं आंको। उन्होंने सलाह दी कि स्कूल जाते वक्त यह दिमाग से निकाल दें कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप यह समझिए कि आप ही आपको अंक देने वाले हैं, इस भाव के साथ आप परीक्षा में बैठिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को सोशल स्टेटस न बनाए। आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे, उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर भी उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर मां बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो, अपने आप को। देश भर के अलग अलग कोनों से लाखों छात्र छात्राएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यह कार्यक्रम किया गया जहां पीएम मोदी के अलावा एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। हालांकि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को प्रसारित नहीं किया। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यह परीक्षा का समय है, वहीं यह कोई राष्ट्रीय भाषण नहीं जो छात्रों को सुनाना जरूरी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही छात्रों के लिए एग्जाम वॉरियर नाम से किताब लिखी है जिसमें उन्होंने परीक्षा के लिए 25 मंत्र बताए हैं जिससे छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ेगा।